ऋषि की दुल्हन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो देखो ठीक लगी तुझे दुल्हन है। राम राम सत्यकाल कैम छो साल भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो सबसे पहले आप लोग गुड मॉर्निंग, और टाइम हो रहा है गाइस 9:21 हो रही है, और हम जा रहे हैं गाइस पानी लेने के लिए ऋषि और मैं। और गाइस तो गाइस आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है, जब से मैं उठाऊँ तब से, ठीक है। रात का तो खैर पता नहीं कि रात बारिश हुई है या नहीं हुई है, बस सुबह से बारिश पड़ रही है। तो गाइस सुबह का मौसम देखो, ठंडा ठंडा मौसम है। देखो सबसे पहले मौसम, तो गाइस सुबह का मौसम देखो, एकदम बारिश हो रही है, और मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे सपा मौसम है, पर बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है देखो, और पूरा गीला गीला हो चुका है। तो गाइस हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए ऋषि और मैं, इस बारिश में हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मज़ा आएगा। तो चलते हैं गाइस पानी लेके आते हैं सबसे पहले। तो गाइस हमारी बिक्की यहाँ पर हो चुकी है रेडी, तो चलें और देख लो गाइस अभी भी बारिश हो रही है, और भाई आराम से चलिए ठीक है, भाई पता लगा बारिश में तो रपटा दे। तो गाइस हम आ गए हैं पानी वाले प्लांट पे, और यहाँ पे देखो कितना पानी पानी और पूरा पानी पानी हो चुका है। तो गाइस ऋषि की दुल्हन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो देखो टीका कुंडल कुंडल सब थे, हार भी था। तो मैं ऋषि से कहा था देख तेरी दुल्हन है वो, ठीक लगी तेरी दुल्हन है। तो गाइस हमने पानी तो ले लिया है, अब चलते हैं सीधा दुकान पे। अरे सीट पूरी की पूरी गीली हो गई, चलो फटाफट। तो गाइस मैं आ गया हूँ चाचा जी की दुकान पे, और यहाँ पे गाइस मैंने ले लिए हैं ब्रेड, और एक फुल क्रीम ले लिया है दूध, नमस्ते इंडिया दूध। तो यार भाई उसमें डाल दो। तो गाइस ये चाचा वाली हरकत कर रहा है कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है भाई, ₹10,000 का। कोई बात नहीं, पता कितनी पॉलिथीन मिलने पे, आधा किलो पॉलिथीन मिलने पे। तो गाइस ये चालान की बात कर रहे थे, तो हम इनका स्लिप दिखाते हैं। देखो यहाँ पे इतनी सारी पॉलिथीन है, और ये मुझे देने के लिए मना कर रहा है, आखिर क्यों? बिल्कुल चाचा वाली हरकत है बच्चे में। तो गाइस हमने ले लिया सामान, अब चलते हैं गाइस सीधा घर। और गाइस यहाँ पे फंस चुकी है एक वैगनार गाड़ी, तो देखो गाइस यहाँ पे वैगनार गाड़ी है, गड्ढे में पहुंच चुकी है, और चलता रहा फुल और जोर जरा से निकाली जा रही है, पर निकली नहीं है ये, चले इसके लिए। तो गाइस या तो ट्रक को बुलाना पड़ेगा, या चार पांच आदमी को बुलाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, वैसे निकल जाएगी, दो आदमी आराम से निकाल देंगे आराम से। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ घर पे पानी लेके, और गाइस यहाँ पे आ गया मेरा नाश्ता। तो गाइस नाश्ता कर लीजिए आप भी फटाफट गाइस। तो गाइस नाश्ता तुम्हारे भाई का हो गया, यहाँ पे खेल रहा है हमारा बाबू। तो बाबू गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो गाइस ये देख रहा है ब्लॉग, और यहाँ पे ये खुश हो रहा है। हाँ भाई जाएगा तू भी पहाड़ पर घूमने के लिए? हैं जाएगा? हाँ जाएगा पक्का। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। ये अच्छा ऐसे कैसे बात करोगे? यू मम्मी बात कर रहा है। हाँ बोलो। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ अपने अड्डे पे काम करने के लिए, और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ क्या नहीं, सुबह तो खैर बारिश पड़ रही थी काफ़ी तेज, और मौसम एकदम ठंडा था, चिल एकदम, और अब गाइस गर्मी इतनी तेज हो चुकी है कि बस पूछो मत ना, कि उमस पैदा हो गई है। तो गाइस मेरा ऑर्डर आ चुका है घर के खाना से, तो मैं अपना ऑर्डर पिक करने के लिए आया हूँ। तो ये ऑर्डर जो आया गाइस ग्रेटर नोएडा का ऑर्डर है। तो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया है पिक, और ये ऑर्डर है गाइस 12 किलोमीटर का, और हमें जो टाइम जो लगने वाला है, हमें टाइम लगने वाला 23 मिनट 12 किलोमीटर, यानी कि हम 1:30 बजे पहुँचेंगे। तो गाइस आपको लग रहा है कि बारिश हुई है, और बारिश हुई थी सुबह, एकदम ठंडा मौसम था, वो अचानक से गाइस ये गर्मी फिर से पैदा हो गई है। भगवान जैसे आपने उस दिन मौसम किया था गांव जाने तक का, ऐसा ही मौसम कर दो आज फिर। यहाँ पे एक भाई बाइक में धक्का लगाते हुए बाइक से, चलो हेल्प करनी भी ज़रूरी है गाइस। तो ये लो भैया हम आ गए तिगड़ी गोल चक्कर, ये है, और ग्रेटर नोएडा में हम अभी इंटर होने वाले हैं। तो ये है गाइस ग्रेटर नोएडा का गेट, तो इसके अंदर जाते ही हम ग्रेटर नोएडा में इंटर हो जाएंगे, और यहाँ से दूरी बची हुई है गाइस 3 किलोमीटर की, हमें 3 किलोमीटर जाके ऑर्डर हमें डिलीवर करना है। तो गाइस हम आ गए हैं कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे, अब कराते हैं यहाँ पे हम एंट्री। तो भाई अपनी बाइक खड़ी करते हैं साइड में। तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया डिलीवर, अब चलते गाइस अपने लोकेशन पे, अपने अड्डे पे, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं।
अब देखो गाइस यहाँ पे धूप निकल आई और वहाँ पे छा है। आए हाय क्या बादल है गाइस, और देखो अब धूप निकल आई है और बादल अलग ही नज़ारे दिखा रहे हैं अपने खूबी। और भाई भैया थोड़े साइड में हो जाओ, चोट लग जाएगी। तो गाइस मैं सारे ऑर्डर अपने कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ सीधा घर पे, और गाइस मेरा स्नान हो गया है और मैं इस टाइम खा रहा हूँ खाना। तो गाइस यहाँ पे आ गया मेरा खाना, तो आज बनाए पुलाव और छाछ। तो गाइस खाना तुम्हारे भाई का हो गया, टाइम हो रहा है गाइस 12:15 हो रही है। और आज बस पूछो मत ना, आज मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था गाइस, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द, ऊपर से टेंशन है, इसलिए गाइस मैंने ब्लॉग को नहीं बनाया था। और अब जाकर मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ थोड़ा शांत करके, पर अभी भी थोड़ी बहुत टेंशन है दिमाग में, पर समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या क्या नहीं करूँ, ऐसी स्थिति आ गई कि बस पूछो मत ना। आप लोगों को सब कुछ ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, और जैसे जैसे ब्लॉग आते रहेंगे आप लोगों को पता लगता रहेगा कि हमारी कंडीशन कैसी हो रही है कैसी नहीं, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना। इस ब्लॉग को गाइस मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने भाई का सपोर्ट। मिलता हूँ इस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम, सत श्री अकाल, कैम चो, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो ऋषि वहाँ पे खड़ा हुआ है, बाय बाय, चल ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, जाके सो जाओ, मौसम खराब है, कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की। अच्छा चलो।